Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neel Mani Sen. लास्ट वीक की यदि बात करें तो कई ग्लोबली इवेंट लाइंड अप थे जहां पर खास रहा यूएस फेड की पॉलिसी का आउटकम, जहां पर हमने पिछले चार साल के बाद 50 बेसिस पॉइंट से एक बड़ा रेट कट आते हुए देखा। उसके बाद से ही हमें ग्लोबली सभी मार्केट्स में एक नई तेजी का रुझान देखने को मिला है। वहीं बात करें यदि कमोडिटी मार्केट की तो यहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और ओवरऑल सभी कमोडिटीज में हमें एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई है पूरे हफ्ते, खास करके प्रीसियस मेटल्स में जहां पर गोल्ड और सिल्वर ने इस तेजी को लीड किया। वहीं बेस मेटल्स में भी एक अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिला। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें हायर लेवल से वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। कॉमेक्स गोल्ड की यदि बात करें तो यहां पर भी हमें एक न्यू लाइफटाइम हाई $2,625 का बनते हुए नजर आया है और उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। इससे ये बातें और भी पुख्ता हो जाती हैं कि यहां भारत में भी गोल्ड अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और यहां पर भी हमें एक नए शिखर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमें अगले हफ्ते ही गोल्ड के प्राइजेस न्यू लाइफटाइम हाई पर नजर आए। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो कई इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं, जैसे कि यूएस की तरफ से यदि बात करें तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स हैं, साथ ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स, न्यू होम सेल्स, फाइनल जीडीपी क्वार्टर इन क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, साथ ही कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के साथ ही फेड चेयरमैन जेरेम पॉवेल की स्पीच भी रहेगी। यूरो जोन से यदि देखें तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आने हैं और साथ ही ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की एक स्पीच है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। टेक्निकली अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के लिए आने वाले हफ्ते में हम बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक नई तेजी की शुरुआत हुई है तो किसी भी बड़े डिप में या फिर गिरावट में एक बाइंग का इंटरेस्ट ही देखने को मिल सकता है। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए एक वीकली सपोर्ट 72,700 पर रहेगा, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 74,730 का रहेगा जो कि इसका लाइफ टाइम है, उसके ऊपर हमें न्यू लेवल्स देखने को मिलेंगे। सिल्वर में यदि बात करें तो सपोर्ट लेवल 88,000 का है, वहीं रेजिस्टेंस 94,000 पर इंटैक्ट है। लास्ट वीक एनर्जी पैक के लिए भी काफी अच्छा रहा, यहाँ पर भी हमें क्रूड ऑयल में लोअर लेवल से एक उछाल ही देखने को मिला है। वहीं नेचुरल गैस में भी देखें तो एक स्लोली ही सही पर एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की इस तेजी के पीछे का कारण अगेन वही जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जो कि खाड़ी देशों से आई, और वो टेंशन कुछ बढ़ भी सकती है आगे। हालांकि अभी जिस तरीके से बातें चल रही हैं तो ये रुक भी सकता है, पर कहीं ना कहीं यदि बढ़ती हैं तो हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इम्पैक्ट रहेगा वही जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए यदि बात करें एनर्जी पैक की इन दोनों कमोडिटीज में तो कोई भी डिप मिलता है तो आप बाय करके काम कर सकते हैं। यहां पर अभी नेचुरल गैस में खास करके ध्यान रखें, यदि 205 के ऊपर की एमसीएक्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें यहां पर 235 तक के आने वाले समय में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये यहां से पोजिशनल बाय भी बन सकता है। क्रूड ऑयल के लिए वीकली सपोर्ट लेवल 5,750 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 6,260 पर। नेचुरल गैस के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 186 पर है, वहीं रेजिस्टेंस यदि अब देखें तो यहां पर 216 पर बनता है। बेस मेटल के लिए पिछला हफ्ता कैसा रहा वो तो हमने देख लिया, पर अब आने वाला हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद हमें यहां पर मेन रेजिस्टेंस लेवल से सभी बेस मेटल्स में एक रिवर्सल देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो हो सकता है कि हमें ये अगला हफ्ता यहां पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, क्योंकि यहाँ बेस मेटल्स में एक बड़ी तेजी का रुझान जब तक नहीं बनेगा जब तक कि चाइना फैक्टर अभी बना हुआ है, क्योंकि वहां स्लोडाउन की स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से बेस मेटल्स की डिमांड्स आनी चाहिए उस तरीके से नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें हायर लेवल से अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पर एक वाइड रेंज है इस बेस मेटल्स में, तो उस वाइड रेंज का यूज किया जा सकता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो सेल ऑन राइज के हिसाब से यहाँ पर काम किया जा सकता है अगले हफ्ते। हालांकि लोअर लेवल से कुछ बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे। सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यदि देखें तो कॉपर में इम्पोर्टेंट वीकली सपोर्ट 798 पर है, रेजिस्टेंस 82020 पर। जिंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 254 पर, वहीं रेजिस्टेंस 275 पर। एल्यूमिनियम के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 220 पर रहेगा, वहीं रेजिस्टेंस 234 पर।
लेट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट 180 एंड रेजिस्टेंस देखें तो 187 पर बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच इज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.